वन विभाग चिड़ियाघर को राला मंडल में शिफ्ट करने की योजना निरस्त होने के बाद इसके विकास के लिए नई योजना बनाएगा। अफसरों ने इसके लिए कुछ बिंदु तैयार किए हैं, जिसमें इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि इसके इकोसिस्टम को नुकसान ना पहुंचे। यहां पर्यटकों की संख्या भी सीमित रखी जाएगी ताकि जंगली और जहरीले जानवरों से उनकी सुरक्षा की जा सके। राला मंडल में तेंदुआ खुले में घूमता है। पिछले महीने ही वन संरक्षक राला मंडल की शिकारगाह तक गई थी। वहां उनके सामने से ही तेंदुआ निकल गया था। एहतियातन वहां पर जगह जगह सूचना भी चस्पा की गई थी। बारिश के दिनों में सांप भी अक्सर खुले में घूमते नजर आते हैं। विभाग के प्रमुख सचिव अशोक वर्णवाल पिछले गुरुवार को जब राला मंडल आए तो उन्हें अफसरों ने बताया कि अभी भी अभयारण्य में तेंदुआ घूम रहा है, ड्यूटी करने वाले वन कर्मियों को दिखता रहता है। हालांकि प्रमुख सचिव अशोक वर्णवाल ने साफ किया है कि नगर निगम चाहेगा तो ही जानवरों को यहां शिफ्ट किया जाएगा। इस बीच वन मंत्री विजय शाह की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।